लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। जबलपुर लॉकडाउन बंद के दौरान धड़ल्ले से छलक रहे जाम, जगह जगह बिक रही है शराब, बड़ी ही अतिशयोक्ति है। जहां गरीबों को राशन के लिए भटकना पड़ रहा है, वहीं लॉकडाउन में पूरे शहर में शराब की खुलेआम चौगुने दामों में शराब बेची जा रही है। वहीं आबकारी विभाग और पुलिस को भनक नहीं है, या फिर कहा जाए जानकारी के बावजूद भी देकर अनदेखी करी जा रही है। जहां लॉकडाउन में 21 मार्च से सभी शराब दुकानें सील कर दी गई है, वहीं इतनी भारी मात्रा में जिले में शराब की रोजाना खपत साफ इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं दुकान ठेकेदार ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए अपनी दुकानों से शराब निकालकर ऊंचे दामों में शराब पीने वालों को मुहैया करा रहे हैं। और अगर प्रशासन को इसकी भनक नहीं है तो ये बड़ी लापरवाही को उजागर करती है। वहीं जब जिले में यदाकदा थोड़ी बहुत शराब पकड़ ली जाती है तो बड़ा चढ़ा कर बताया जा रहा है। वहीं इससे जुड़ी बड़ी मछलियां खुलेआम इस वक्त अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं अब जिला कलेक्टर को शिकायत मिली तो उन्होंने तत्काल शराब दुकानों के स्टॉक को चेक करने के आदेश दे डाले। आदेश आते ही आबकारी विभाग पुलिस प्रशासन में हड़कंप की स्थिति मच गई और खानापूर्ति के लिए रसल चौक, मालवीय चौक की दुकानों का स्टॉक मिलना किया गया। स्टॉक कितना था, क्या था, ये तो आबकारी प्रशासन जानता है या दुकान संचालक। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 29 इंडिया। अवैध रूप से शहर में शराब बिकने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिस पर एसपी साहब ने और कलेक्टर साहब ने संज्ञान लिया था और माइक टू अमित सिंह साहब को जो है निर्देश दिए थे कि कुछ चुनिंदे दुकान जहां पर शक की दृष्टि से इन दुकानों को जो है तो स्टॉक टेकिंग किया जाए, जिस पर जो है तो एडिशनल एसपी अमित सिंह साहब ने जो है तो मालवीय चौक और रसल चौक दुकान का स्टॉक लेने को निर्देश दिए थे। इसी तारतम में जो है तो दुकान खोल करके और गिनती की जा रही है। जो भी कार्रवाई होगी, गिनती में पता चलेगा कि क्या स्थिति है, माल की कम है ज्यादा है, तो फिर बता दिया जाएगा कि कार्रवाई। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।